CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम चाय बनाने के लिए। मामा जी चारपाई पर बैठे हैं। अरे बेटा ननकू, रीनू आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। क्या बात है, आ जाओ फिर आ जाओ, शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ ये भी ना बात। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, तुम दिन भर क्या करते रहते हो? मामा जी मैं तो पढ़ाई करती हूँ। अरे वाह। मामा जी मैं तो कलरिंग करती हूँ। क्या बात है। मामा जी मैं तो खेलता हूँ। और आप? मामा जी मैं खेलने जाती हूँ। अच्छा अच्छा ननकू ये बताओ कि तुम दिन भर क्या करते रहते हो? मामा जी मैं तो बहुत खेलता कूदता हूँ। मैं भी मामा जी। वे खेलना कूदना तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा साथ में तुम और क्या करते हो? मामा जी वैसे तो मैं छोटे मोटे काम करता हूँ, लेकिन घर का सारा काम तो मम्मी पापा ही करते हैं। अच्छा बताओ वो क्या क्या काम करते हैं? मामा जी मैं आपको बताती हूँ। हाँ रीनू तुम बताओ। मामा वो क्या है ना, मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं, समय पर सारे काम हो जाए इसलिए वे एक दूसरे की मदद करते हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मम्मी पापा काम क्या करते हैं ननकू? मामा जी मम्मी सुबह उठकर रसोई की सफाई करती हैं। अच्छा। पापा आंगन में झाड़ू लगाते हैं। वाह। फिर पापा हम सबके लिए चाय बनाते हैं। क्या बात है। भैया आप तो भूल गए, पापा हमारे लिए दूध भी तो गर्म करते हैं ना। वाह क्या बात है, आपके पापा तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। कभी घर के कामों में मम्मी पापा की मदद करते हो? हाँ मामा जी मैं तो पापा की सबसे ज्यादा मदद करता हूँ। अच्छा। चाय बनाने के लिए और दूध गर्म करने के लिए पतीला देता हूँ और भी छोटे मोटे काम करता हूँ। वाह बहुत बढ़िया, तुम तो अपने घर के कामों में बहुत मदद करते हो। अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने पापा को चाय बनाते देखा है? हाँ मामा जी देखा है ना। तो बताओ कैसे बनाते हैं? पापा चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, माँ उनकी चाय की बहुत तारीफ करती हैं। पापा पहले पतीला लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं। अच्छा रीना तुम बताओ पापा उसके बाद क्या करते हैं? फिर पापा उसे उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। कुछ देर बाद उसमें चीनी और चाय पत्ती डालते हैं। अच्छा। जब वह खूब उबल जाता है तब उस पतीले को कपड़े की सहायता से पकड़कर धीरे से उतारते हैं। कपड़ा? पर कपड़े से क्यों? मामा वो क्या है ना कि पतीला बड़ा गर्म होता है, कहीं हाथ ना जल जाए इसलिए पापा कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। मामा जी एक बार ना पापा बिना कपड़े के पतीला उतार रहे थे, उनका हाथ जल गया। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा पतीला उतारने के बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद पापा चाय को छन्नी से छानते हैं। अच्छा और फिर? फिर कप में मम्मी और दादा दादी को दे देते हैं। अच्छा रीनू अब तुम बताओ चाय का स्वाद कैसा होता है? मामा सिर्फ पापा की चाय की खूब तारीफ करते हैं। पापा मुझे और भैया को हर सुबह एक ग्लास गर्मा गर्म दूध और दो बिस्किट देते हैं। शाबाश बच्चों, तुम सभी अपने परिवार में बड़ा घुल मिल कर रहते हो, रहते हो कि नहीं? हाँ मामा जी। मुझे सबके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। शाबाश तानिया, हम सब प्यार से रहते हैं। मेरे मम्मी पापा घर का सारा काम करते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ। हाँ शाबाश,
भाई हमें इसी तरह से रहना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम मदद करते हो या नहीं किसी की? जी हां मामा जी। कौन कौन करता है मदद बताओ? मैं। हाँ शाबाश भाई, देखो सभी एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं और करनी भी चाहिए। हाँ मामा जी। हाँ मामा जी। हाँ मामा जी। तो बजाओ जोरदार ताली इसी बात पर, शाबाश। अभी आपने सुना कार्यक्रम चाय बनाने के लिए, अकादमिक समन्वय सह आचार्य रमेश कुमार, कलाकार प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह, बाल कलाकार जीशा हिरण्या, नमन निशांत, सार्थक वान्या, वेदिका और लवीश, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग कुसुम लता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।